कोविड के तीसरे लहर की आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं और ऐसे में अगर इन दोनों बात की जाए तो वायरल जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वायरल बुखार से पीड़ित पेशेंट्स आ रहे हैं और उसमें बच्चों की संख्या भी काफी ज्यादा है। हमारे साथ में डॉक्टर पुनीत हैं, उनसे बात करेंगे कि जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स कितने डरे हुए हैं और आशंकाएं जो तीसरी लहर की हैं उससे कितने। देखिए अभी जो पिछले दो महीने पहले जो कोविड की दूसरी लहर निकली थी काफी खतरनाक थी, काफी लोगों को दिक्कतें हुई, अस्पतालों को दिक्कत हुई, ऑक्सीजन की कमी रही, इसलिए ये जो डर है कोरोना की तीसरी लहर का वो संभावित है। उसके बचने के लिए लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, दूरी मेंटेन करनी चाहिए, भीड़ भाड़ से बचें, मास्क लगा के रखें, हाथों को धोएं, सैनिटाइजर यूज करें। बच्चों में खासकर क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, कोई अप्रूव नहीं है, तो बच्चे एक ऐसी पॉपुलेशन है जो ज्यादा खतरे के अंदर है, अगर उनको एक्सपोजर होता है तो तीसरी लहर बनने का खतरा रहता है। आजकल बुखार के केसेस बच्चों में बढ़ गए हैं, खांसी जुकाम के साथ बच्चे हमारे पास ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, लेकिन उनमें अभी तक कोविड के टेस्ट नहीं है। पेरेंट्स में डर रहता ही है क्योंकि बच्चे हैं, ज्यादा बता नहीं सकते हैं, तो इसलिए डर ज्यादा है, इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और कोई बुखार आता है तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोरोना वगैरह का एक बार जांच करा ली जाए, सेफ्टी रहती है। अच्छा, जैसे अगर बच्चों की बात की जाए, बच्चों में जब भी वायरल फीवर हो या किसी भी तरीके से बुखार आता है तो पेरेंट्स बहुत चिंतित भी दिखाई देते होंगे, और नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने हो गए हैं खासकर बच्चों की बात की जाए यहाँ पे वायरल फीवर से पीड़ित? पहले अगर देखा जाए तो नंबर दोगुने से तीनगुने के करीब हो गया है, बच्चे बढ़ रहे हैं क्योंकि सीजन चेंज होता है, बुखार ज्यादा आता है और ये सब दिक्कतें ज्यादा रहती हैं। लेकिन टेस्ट कराना जरूरी है जिससे हमें पता रहे कि कोरोना है या नहीं है, और पेरेंट्स की चिंता संभावित है, बच्चों की तबीयत खराब होती है, खांसी जुकाम रहता है, तो ये दिक्कतें रहती हैं। मैं अपने लड़के को दिखाने के लिए आया था, बुखार और खांसी उसको आ रहा है, तो डॉक्टर साहब ने बोला वायरल है, तो मुझे बहुत चिंता हो गई कि पूछा डॉक्टर साहब कहीं कोरोना तो नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने बोला कोरोना नहीं, ये एक तरह का वायरल है, वो जो तीन चार दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, मगर लोगों में बहुत ही ज़्यादा टेंशन है कि बुखार और खांसी की वजह से वायरल ना हो, मगर डॉक्टर ने आश्वासन दिया ये वायरल नहीं, वो नहीं है, कोविड 19 नहीं है, ये एक तरह का वायरल है। हर्षित मिश्रा, ईटीवी भारत, दिल्ली।